स्टूडेंट क्लास सेवेंथ का क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 से 8 तक स्टूडेंट इसमें ऐड करने के लिए है और 9 to 16 वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए है। तो हम इस वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, पॉइंट वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। पर एडिशन एडिशन होता है वो पॉइंट का हो या फिर सिंपल एडिशन हो, केवल ऐड करना है आपको, बहुत सावधानी के साथ, कोई नंबर गलत ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 16 है, आपने 16 लिखा, 16 के आगे कोई पॉइंट नहीं लगाए तो आप पॉइंट लगा के 0 कर लें। इसी तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं और 8, 7, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और इस तरह से नंबर को लिख दें 6.8। इसमें विशेषकर आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो नंबर है, सॉरी, एक यहाँ पर नंबर है 7.7 and 7। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0। अब जो बताया जा रहा था कि विशेषकर ध्यान रखना क्या है कि जो नंबर हमारा है वो तो नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए और दूसरा पॉइंट के नीचे पॉइंट हो। तो 7, 4, 11, carry 1, 7, 1, 8, 9, 17, 3, 20, 25, 25, 30, 32 कैरी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहाँ पर तो कैरी 3 आ गया, 6, 3, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 23। ठीक है, फिर से कर लो, 7, 4, 11, carry 1, 7, 1, 8, 9, 17, 17, 3, 20, 25, 25, 7, 32, carry 3, 6, 3, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 23, 7, 30, carry 3, and 3, and 1, 4। ये आंसर हो जाएगा 40.21। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर 18.6, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो ये जाएगा 602 और इधर नंबर आ जाएगा 37। पहले आप लिखते चले जाएँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट 008 और होल नंबर में हमारे पास 8 है, होल नंबर 26 पॉइंट और यहाँ पर 4, 6.9। आपने ये नंबर लिख लिया और इसको प्लस कर लेना है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दीजिए, इससे आपको प्लस करना आसान हो जाएगा। 8 का 8, 7, 6, 3, 9, 4, 13, 7, 20 and 22, carry 2, 8, 2, 10, 6, 16, 4, 20, 24, 6, 30, 36, carry 3, 3 and 1, 4, 4, 2, 6 and यहाँ पर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 63.5, 9.7, 0.8, 26.66 and 12.17। देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो आप 0 कर लें, 6, 7, 13, carry 1 हो जाएगा बेटा, 5, 1, 6, 7, 13, 7, 20, 21, 6, 20, 7, and 1, 28, 3, 2, 5, 9, 14, 6, 20, 22, carry 2, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 1, 11। फिर से कर लो, प्लस 7, 6, 13, carry 1, 5, 1, 6, 7, 13, 7, 20, 21, 20, 7, 28, carry 2, 3, 2, 5, 9, 14, 6, 20, 22, carry 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट आप, 17.4, 86.89, 9.435, 8.8 and 0.06 प्लस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा लीजिए, इस तरह से आपका नंबर एक सा हो जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे आप 0 लगा सकते हो। अब देखो 5 का 5 होगा,
9 3 12 6 18 कैरी 1 4 1 5 8 13 4 17 17 3 20 25 25 कैरी 2 7 2 9 6 13 13 7 20 22 8 30 कैरी 3 एंड 3 1 4 4 8 12 यहाँ पर हो जाएगा 12। और इस तरह से आपका आंसर जाएगा 120.585। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में देखें, यहाँ पर 26.9 19.74 एंड 231.769 एंड 0.048। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, आप जीरो लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसी दर को जीरो आप लगा लें तो और बेहतर रहेगा, बिल्कुल एक सा नंबर लगेगा। और इसे आप प्लस कर दें, 9 8 17 कैरी 1 4 1 5 6 11 11 4 15 कैरी 1 9 1 10 7 17 17 3 20 24 कैरी 2 एंड 6 2 8 9 17 1 18 कैरी 1 2 1 3 1 4 3 7 एंड यहाँ पर 2, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 5th नंबर 6th नंबर को 23.8 8.94 0.078 एंड 4 1 और 2। देखो बेटा यहाँ पर जीरो है तो इधर भी लगा लिया, अब इसमें नंबर नहीं लग रहा है मुझे तो ये नंबर भी हमने जीरो के तौर पे रख दिया। 214.6 है, पॉइंट यहाँ लगा दो, जीरो लगा लीजिए। इस तरह से आपका नंबर एक सा जाएगा। एक सा नंबर करने पर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 8 7 4 11 कैरी 1 8 1 9 9 18 18 और 2 20 24 कैरी 2 3 2 5 8 13 4 17 कैरी 1 2 1 3 and 1 4 एंड दिस इज 2। आंसर 247.418 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 6.606 यहाँ पर जाएगा 66.6, फिर पॉइंट यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से ये होल नंबर बन जाएगा, जीरो लगा लेंगे। पॉइंट है 0 6 और 6, पॉइंट है फिर यहाँ पर 6। नंबर का को एक सा कर दें इस तरह से तो आपका ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है तो आप इसे जीरो रख सकते हैं। अब देखिए 6 6 12 कैरी 1 6 6 12 and 1 13 कैरी 1 18 and 1 19 कैरी 1 6 1 7 6 13 13 6 19 कैरी 1 6 1 7 7 6 13 कैरी 1 and 6 and 1 7। ये आपका 739.932 आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th पार्ट। 8th पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। 9.09 0.909 99.99 9.99 and 0.99 यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है इसको। अब देखो कैसे करेंगे, 9 9 18 कैरी 1 9 1 10 10 9 19 19 और 1 20 28 कैरी 2 9 2 11 9 20 29 कैरी 2 9 2 11 9 20 29 कैरी 2 और 9 2 11। ये इसका आंसर हो जाएगा 119.988। इस तरह से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 भी करते हैं। 9 से जो 16 तक के क्वेश्चन हैं वो हमने अभी करना है। आइए क्वेश्चन को करते हैं पहले।
यहाँ पर 14.79 फ्राम 72.43 है। तो फ्राम जब होगा तो ये नंबर ऊपर लिख दिए जाएंगे 72.43 एंड 14.79। बस फटाफट माइनस कर लेते हैं, 13 माइनस 9 4, यहाँ पे 3 बचा था कैरी ले आए, 13 माइनस 7 6 1 बचा, 11 माइनस 4 इक्वल टू 7, 6 बचा, 6 7 गया 5 आंसर हो गया। इसी तरह से 52.6 लिखा, 36.74 कैरी ले गए, तो यहाँ पर 5 10 हो गया, 10 से 4 गया 6, 15 से 7 गया 8 और यहाँ पर 1 बचा था, 11 में से 6 गया 5, 4 बचा था यहाँ पर, 4 से 3 गया 1, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये 22 है 0.00, 13.876, तो यहाँ से कैरी ले लिया बेटा, अब इसको माइनस करिए तो यहाँ से गया तो ये 1 हो गया, ये 9, यहाँ पर 10 10 माइनस 6 4, 9 से 7 गया 2, 9 से 8 गया 1, अब 1 से 3 तो जाएगा नहीं, तो कैरी लेंगे 11 बन जाएगा, 11 से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 24.16 एंड 15.079, यहाँ पर हम कैरी कर लेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर 10 10 माइनस 9 1, कैरी लिया 0 हो गया, यहाँ 15 हुआ, 15 माइनस 7 8, 0 माइनस 0 0। अब देखो यहाँ से कोई कैरी नहीं गया था तो यहाँ से लाए 1, यहाँ हो गया 14 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम लोग चलेंगे आगे, यहाँ पर 1.007 हो गया, 0.68 हुआ और यहाँ पे माइनस कर लिया, 7 10 माइनस 8 2 9 माइनस 6 3 एंड 0, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से कैरी लिया था, ये 9 हो गया था, ये भी 9 हुआ था, तो यहाँ पर ये 10 माना गया, 10 माइनस 8 2 9 माइनस 6 3 और यहाँ पर 0 माइनस 0 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 5.05 एंड 0.4678, कोई नंबर ना हो तो 0 बढ़ा लिया, कैरी लिया 4 आया यहाँ पर, ये 9 हो गया, यहाँ पर 10 10 माइनस 8 2 9 माइनस 7 2 14 माइनस 6 8, यहाँ से आप कैरी ले गए थे, यहाँ पर ये 10 हुआ था, 10 माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पर यहाँ से ले गए तो ये 9 हो गया था, क्योंकि कैरी आपने इसको देना था, तो 14 माइनस 6 8 और यहाँ 9 बचा था, 9 से 4 गया तो 5 हो गया और ये आंसर आपका यहाँ पर 4 4.5822। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 8 और इस नंबर पर आप 0 बढ़ा लो, पॉइंट ले लो 5307, माइनस कर लीजिए, यहाँ से कैरी गया 7 हुआ, ये नंबर 9 बन जाएगा और यहाँ लास्ट में 10 10 माइनस 7 3 9 माइनस 0 9 माइनस 3 6 9 माइनस 5 4 एंड 7 माइनस 0 7, ये आंसर हो जाएगा 9.001, 6.732, माइनस करिए, यहाँ से कैरी गया तो ये 8 हो गया, ये 9 और ये 9 बना और ये हो गया 11, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 3 6 9 माइनस 7 2 और 8 माइनस 6 2 2.269, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 16 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।